क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स, ओके, नहीं फिल इन द बॉक्सेस, और हमको साइन लगाना है ग्रेटर देन, स्मॉलर देन या इक्वल का। जो बड़ा होगा उसकी तरफ दोनों चोंच ऐसा होगा, बड़े के साइड, राइट। ये यहाँ पे बिगर नंबर की तरफ हमेशा चोंच रखते हैं, दोनों चोंच ही बोलेंगे मुंह फाड़ के। 2/3 और 5/4 कौन सा नंबर बड़ा है? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से पहले ऊपर से नीचे, 2 × 4 = 8, फिर नीचे से ऊपर 3 × 5 = 15। तो कौन सा नंबर बड़ा है? 15 मतलब दूसरा वाला स्टैंड, सेकेंड वन, मतलब 2/3 जो बड़ा है उसकी तरफ दोनों चोंच, ये हो गया बड़ा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट द आंसर, राइट। -15/7 -7 बॉक्स 3/7 एंड विच इज बिगर। एक चीज़ और है, यहाँ पे दोनों साइन कैंसिल हो जाएगा, ये और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो कट गया, बचा 5/15/7 बॉक्स 3/7। दोनों डिनोमेटर सेम है, ये देखो इसका डिनोमेटर भी सेम है, इसका भी डिनोमेटर सेम है। जब डिनोमेटर सेम होता है तो हम ऊपर वाले को देख के बता देते हैं कौन सा नंबर बड़ा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो दिख रहा है मेरे को, आपको दिख रहा है कौन सा नंबर बड़ा है? ये 15 बड़ा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 15, राइट। 3 - 9/1 लिख देते हैं ना। अब ऐसे सॉल्व करेंगे, -10/3 -9/1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर से नीचे, -10 × 1 -10 और 3 × -9 -27, राइट। और यहाँ पे बड़ा कौन सा है? -10, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव में जो छोटा होता है वो वाकई में बड़ा दिखाई दे, बड़ा होता है ना। यदि हम इसमें देखें नंबर लाइन में, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, और राइट साइड में कौन सा है? ये नंबर, इसलिए ये बड़ा है, ठीक है, राइट। तो जो राइट साइड में होता है वो नंबर बड़ा होता है। डू इट 5 times। गेट रेडी, -3/13 एंड 7/13। मैंने बोला था अभी यदि डिनोमेटर दोनों का, अब इसमें बताना है कौन सा नंबर बड़ा है, और यदि डिनोमिनेटर बराबर है, डिनोमिनेटर बराबर है, तो हम ऊपर वाले को देख के बता सकते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। और हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स बड़ा होता है ना। यदि आपको यहाँ पे एक नेगेटिव इंटीजर्स दिया है और एक पॉजिटिव इंटीजर्स दिया है, तो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स बड़ा होगा। इसलिए यहाँ पर अपन देखेंगे कौन सा नंबर बड़ा है, 7, राइट। क्वेश्चन नंबर 3, -21/20 -6, ओके, बाई 1 कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई के पहले ऊपर से नीचे आएंगे, -21 × 1 -21 और 20 × -6 -120। अब यहाँ पे कौन सा नंबर बड़ा है? जो छोटा है वो बड़ा होगा, मतलब ये बड़ा होगा पहला वाला, मतलब -21/20 ये बड़ा है बोल रहे हैं हम, -6/1 2 it 5 times, राइट।